बीडीई न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर अभी तक किसी भी गुट ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। जो कांग्रेस प्रणीत गुट है, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार आते हैं, उनकी तरफ से भी कोई फिक्स नाम अभी तक आया नहीं है। लेकिन इस पर नाना पटोले और चरण वाघमारे का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। लेकिन जो दूसरा बीजेपी का गुट है, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार का गुट आता है, तो उनकी तरफ से भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर अभी तक किसी भी नाम का आगे आना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से उम्मीदवार सीट मिलने के लिए तगड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ जो बीजेपी का गुट है, उसमें ही लड़ाई चल रही है। तो यह लड़ाई कहाँ तक जाती है और किसको सीट मिलती है, यह हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसके लिए आप बीडी न्यूज हिंदी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि आपको जो इलेक्शन पर धमाकेदार वीडियोज आने वाले हैं, उनके नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो पूरे महाराष्ट्र में फैल सके। तो आगे देखिए वीडियो में कितने उम्मीदवार आ रहे हैं और किसको सीट मिल सकती है, इसका विश्लेषण हम आगे बता रहे हैं। काय घरच्या जेवणाची आठवण येते? अहो मग वाट कसली बघता? त्वरित कॉल करा 7972190321 आणि 9284927754 या नंबरवर। प्रशांत मेस, घरचा डबा स्वाद आपुलकीचा। प्रशांत मेस कॅटरर्स अँड कॅटरिंग। आमच्याकडे लग्न, पार्टी व विविध समारंभाचे ऑर्डर घेतले जातात व प्लेट प्रमाणे जेवणाचे ऑर्डर घेतले जातात। आमचा पता, प्रशांत मेस, जलाराम चौक, भारतीय स्टेट बँकेच्या बाजूला, संताजी वार्ड, भंडारा। देखा जाए तो बीजेपी गुट की तरफ से जो बीजेपी के ही है, उनके बहुत से नामों की चर्चा हो रही है, जिनमें प्रमुखता से परिणय फुके, सुनील जी मेंढे, डॉक्टर ब्रह्मानंद करंजेकर, विनोद अग्रवाल, विजय शिवनकर और संजय कुंभलकर, इनका नाम प्रमुखता से आगे आ रहा है। लेकिन क्या इनमें से किसको सीट मिल सकती है, यह अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि जो भी अपने दावेदारी बता रहे हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पर वो स्ट्रांग है। जैसे कि अगर परिणय फुके के बारे में देखते हैं, तो परिणय फुके यह महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने पिछले बार नाना पटोले के अपोजिट जो साकोली की सीट है, उस पर विधानसभा इलेक्शन लड़े थे। वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने अच्छी फाइट दी थी। तब से वो यहाँ भंडारा लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जो सुनील मेंढे हैं, वो यहाँ के सिटिंग खासदार है। 2019 में सुनील मेंढे जी यहाँ भंडारा के लोकसभा सीट पर चुन के आए थे और अभी भी वो ये 2024 के लिए यहाँ अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और सबसे तगड़ी कोशिश उन्हीं की चल रही है। लेकिन जो पार्टी की तरफ से आगे नाम आ रहे हैं, वो डॉक्टर ब्रह्मानंद करंजेकर है, जो साकोली का उनका क्षेत्र है, वहाँ पर उन्होंने बहुत से काम किए हैं और वहाँ पर वो उधर एक शिक्षण क्षेत्र में अच्छे खासे प्रसिद्ध है, तो उनको भी यहाँ टिकट मिल सकती है, उनका भी नाम आगे चल रहा है। और विनोद अग्रवाल है, वो गोंदिया क्षेत्र से आते हैं और वहाँ पर उनका अच्छा खासा दबदबा है, तो उनको भी ये सीट दी जा सकती है। और जो विजय शिवनकर है, वो आमगाँव से आते हैं और ये शायद महादेवराव शिवनकर के पुत्र है और वो बीजेपी के अच्छे कद्दावर नेता है यहाँ भंडारा लोकसभा क्षेत्र के, तो इनके भी नाम पर अच्छी खासी चर्चा चल रही है। और जो आखिरी नाम है संजय कुंभलकर, तो वो भी यहाँ भंडारा के अच्छे खासे नेता है और यहाँ भंडारा में जो भी बीजेपी की तरफ से पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, तो उनमें वो से आगे दिखते हैं। तो भंडारा जो शहर है, उसमें उनका नाम अच्छा खासा चलता है, तो उनको भी ये सीट मिल सकती है।
लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो परिणय फुके जी है और सुनील मेंढे जी है। लेकिन जो डॉक्टर ब्रह्मानंद करंजेकर है, विनोद अग्रवाल है, विजय शिवनकर है और संजय कुंभलकर है, इनको भी कम नहीं आका जा सकता है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा माथापच्ची हो रही है। ऐसा लगता है कि अभी इनको सीट मिलेगी या उनको मिलेगी, लेकिन फिर और दूसरे नामों की चर्चा आगे आती है तो बीजेपी की तरफ से उनको अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करना बहुत ही मुश्किल जा रहा है। लेकिन ऐसा जो कांग्रेस प्रणीत जो आघाड़ी है उसमें नहीं है, उनमें दो ही नाम की ज़्यादा चर्चा चल रही है, जिसमें नाना पटोले जी है जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है और चरणजी वाघमारे है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र के अच्छे खासे प्रसिद्ध व्यक्ति है, जो कि जो पिछला जो यहाँ विधानसभा क्षेत्र में वो रह चुके हैं, इनके भी नाम की चर्चा चल रही है। जैसे ही यहाँ भंडारा लोकसभा सीट पर कुछ नया अपडेट आता है तो हम आपको हमारे चैनल बीडी न्यूज हिंदी पर बताते रहेंगे। तो इस तरह से जो भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट है उस पर जो दोनों गुट हैं, एक तो कांग्रेस प्रणीत आघाड़ी गुट और जो दूसरा बीजेपी प्रणीत युति गुट, उनमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची चल रही है। लेकिन उसमें भी जो बीजेपी प्रणीत युति गुट है उसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची चल रही है, क्योंकि उनके पास उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है और उनमें से एक को चुनना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो कांग्रेस प्रणीत गुट है उनमें उम्मीदवारों की संख्या कम है, लेकिन किसके नाम की घोषणा की जाए उनमें भी वो असमंजस में है। तो इस तरह से ये दोनों भी बड़े असमंजस की स्थिति में है। लेकिन ये दोनों गुट है वो जो फॉर्म भरने की आखिरी डेट है उसके पहले दिन तक ये अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकते हैं। तो इसके पहले और क्या क्या अपडेट आते हैं ये हमारे चैनल बीडी न्यूज हिंदी पर हम आपको बताते रहेंगे। तो इसके लिए यह आप बीडी न्यूज हिंदी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि आपको जो इलेक्शन पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाले हैं उनके नोटिफिकेशन मिल सके। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।